देखिए, रिसर्च मेथडोलॉजी की इस क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च मेथड्स में क्या फर्क होता है। हालांकि रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्राय हम देखते हैं कि सिनोनिम की तरह होता है, पर्याय की तरह होता है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम टेक्निकली इन दोनों चीजों को अलग-अलग करके देख सकते हैं। देखिए, पहले हमें ये समझना है कि जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक व्यापक शब्दावली है। ठीक है, ये शोध के पूरे विधि तंत्र की बात करती है। ठीक है, उस विधि तंत्र का रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, उस विधि तंत्र का, रिसर्च मेथडोलॉजी का रिसर्च मेथड एक भाग होते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाना है कि रिसर्च मेथड्स जो हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी का ही हिस्सा है, लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर रिसर्च मेथड के अलावा भी बहुत कुछ शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस नजरिए के साथ हम इस टॉपिक को करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं रिसर्च मेथड की, है ना, ठीक है, शोध की विधियों की, केवल विधि की, विधि तंत्र की नहीं, केवल शोध विधि की बात करते हैं हम, है ना, रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय रिसर्चर व्हाइल डीलिंग विथ रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च। तो हम बात करते हैं उन सारे विधि और उन सारी तकनीकों की जिनको शोधार्थी इस्तेमाल करता है अपनी जो शोध समस्या है उसको हल करने के लिए, उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और कई प्रकार के जो एनालिसिस है वो कंडक्ट इससे करवाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं तो रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल हम शुरू में करते हैं जब हमें ये तय करना होता है कि हम जिस किन पर शोध करेंगे। जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी का भाग है इस बात को तय करना कि यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगी, है ना, शोध अध्ययन की इकाई क्या होगी। ठीक है, इस बात का तय करना शोध कहाँ होगा, ठीक है, किन परिस्थितियों में होगा। अब फिर जब हमने ये तय कर लिया कि शोध के अध्ययन की इकाई क्या होगी, यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगी, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे इतना करने के बाद कि हम उस यूनिट ऑफ स्टडी को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, तो वो जो वहां से बात शुरू होती है मेथड्स की, और हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की वहां से, कि हम उन शोध के लिए जो हमारी इकाइयां हैं उनको कैसे चुनेंगे, उनका चुनाव कैसे करेंगे, और वहां पर हम लोग कंसर्न हो जाते हैं रिसर्च मेथड्स के प्रति। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि भाई अब उसके अंदर स्थान का चुनाव भी आता है, उसके अंदर रेस्पोंडेंट्स का चुनाव भी आता है। ठीक है, कई बार हमें एक ही रिसर्च में एक से अधिक तरह की सैम्पलिंग का इस्तेमाल भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए करना होता है। ठीक है, तो प्रतिदर्श का चुनाव, जैसे एक ये एक पक्ष हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में डेटा आ गया, है ना, अब डेटा आने के बाद एक और आपके लिए कंसर्न ये होता है कि अब आप उस डेटा का एनालिसिस कैसे करोगे, है ना, कौन सी विधियों का इस्तेमाल करोगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, क्वालिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे। तो फिर से बात आ गई एक एक दूसरे पायदान पे कि हम किन मेथड्स को यूज करेंगे, कौन से मेथड्स, मटेरियल्स और टेक्निक्स हम यूज करेंगे। फिर हम और आगे चलते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमने निष्कर्ष निकाले, जो रिजल्ट निकाले हमने, ठीक है, फाइंडिंग्स निकाली है ना, निष्कर्ष नहीं कहने चाहिए अभी तक, केवल फाइंडिंग्स बोलनी चाहिए, केवल कि डेटा एनालिसिस किया और हमारे पास फाइंडिंग्स आई। ठीक है, हमारे पास में जो आंकड़ों के विश्लेषण के बाद में जो चीजें निकल कर सामने आई, फाइंडिंग सामने आई, अब हम देखते हैं कि ये जो फाइंडिंग्स आई हैं, ये फाइंडिंग्स जो हैं ये कितनी सही है
इसकी जांच हम करते हैं, तो हम बहुत सारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, है ना, वो भी मेथड्स का भाग है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेथड्स जब हम बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है, हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है। तो अब आपको ये रिसर्च मेथड्स की ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतने सारे उदाहरण देने के बाद अब ये डेफिनेशन बहुत क्लियर हो गई होगी कि ऑल दोज मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय रिसर्चर व्हाइल डीलिंग विद रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब देखिए, रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स सीम सिमिलर बट दीज आर नॉट सेम, ये एक जैसी दिखती हैं लेकिन ये एकदम सेम नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए, जब हम रिसर्च टेक्निक्स की बात करते हैं, है ना, तो रिसर्च टेक्निक्स के अंदर वी रेफर टू बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशंस, ठीक है। हम तकनीक की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस व्यवहार अर्थात जैसे कोवर्ट रिसर्च के अंदर या पार्टिसिपेशन रिसर्च के अंदर जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ रिसर्चर का मिंगल हो जाना, मिल जाना, ठीक है, ये बिहेवियर का भाग है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं कि हम जो रिसर्च ऑपरेशंस कैसे करेंगे, अर्थात हम कोई भी जो जांच कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, उस जांच को हम हमारे रिकॉर्ड में कैसे लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कई तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, है ना, उसके लिए क्वेश्चनायर हो सकते हैं, उसके लिए कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके ऊपर हम रीडिंग्स को मेजर करें, रीडिंग्स को हम लोग नोट करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, तो वो जो पार्ट है वो तो है टेक्निक का, ठीक है, सच एज मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्डिंग डेटा, टेक्निक्स ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है, ये भाग है टेक्निक का, ठीक है। और दूसरा है कि रिसर्च मेथड्स रेफर्स टू बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च टेक्निक, ठीक है। तो यहां पर वो इंस्ट्रूमेंट और वो बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम, दैट इज यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक। तो मेथड्स जो है ना उसके आधार पर टेक्निक डिसाइड होती है, ये इसका इसका मूल मंत्र है, ठीक है। हमारे जो रिसर्च मेथड्स होते हैं उसके आधार पे हम रिसर्च टेक्निक जो है हम उसका निर्धारण करते हैं, ठीक है। मैं फिर बताता हूं आपको, रिसर्च मेथड रेफर टू बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन, है ना, सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक, अर्थात ये वो व्यवहार और वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक, अर्थात जिसके जिसके उपयोग से हम रिसर्च टेक्निक का निर्धारण करते हैं। तो रिसर्च मेथड्स बेसिकली हमारी रिसर्च टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं, या यूं कहें कि रिसर्च मेथड्स के आधार पे हम रिसर्च टेक्निक्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, और रिसर्च टेक्निक्स जो हैं वो वास्तव में बिहेवियर और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, विच वी यूज इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशंस, वो बिहेवियर और इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके आधार पे हम शोध को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको मैं एक टेबल से आपको दिखाता हूं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ आप एकदम आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ, मेथड्स और टेक्निक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए, जैसे तीन तरह के रिसर्च के एग्जांपल है, लाइब्रेरी टाइप रिसर्च, फील्ड टाइप रिसर्च और लेबोरेटरी टाइप रिसर्च। अब लाइब्रेरी टाइप रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप जो है पुस्तकालय में जाते हो और आप शोध करते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर शोध में फील्ड सर्वे हो, कोई जरूरी नहीं कि हर शोध में एक्सपेरिमेंट हो, प्रयोग हो, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संभावना बनती है कि कई बार जो शोध है, जैसे कंटेंट एनालिसिस के ऊपर ही यदि शोध टिका है,
तो कंटेंट एनालिसिस पे यदि मेरा शोध टिका है तो फिर मुझे मुझे कहीं फील्ड सर्वे और 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 मुझे कहीं लेबोरेटरी सर्वे की हो सकता है जरूरत ना भी हो। ठीक है, अब जैसे लाइब्रेरी रिसर्च में हम लोग शामिल करते हैं एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, है ना। बहुत सारे ऐसे शोध होते हैं भारत में, हिस्टोरिकल शोध, जिसके लिए हमारे बच्चे जो हैं वो आर्काइवल जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करने के लिए लंदन में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में बहुत सारे हमारे जो जो एविडेंसेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ वो ले जाए गए और वहाँ वो अब लाइब्रेरीज में सुरक्षित हैं। तो हमारे शोधार्थी वहाँ वो काम भी करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे और वो शोध करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जैसे एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात आ गई, तो कोई जरूरी नहीं है बाहर जाना। ठीक है, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपके यहाँ भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, देखो आप यदि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, ऐतिहासिक जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका, जो संधारण किया हुआ है उनका, तो आप कौन कौन सी तकनीक अपना सकते हो, तकनीक क्या होगी आपकी। रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स, अर्थात आप क्या कर सकते हो, बैठ के उन रिकॉर्ड्स से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और क्या संभावना है, कंटेंट एनालिसिस, है ना, उनके अंदर जो सामग्री लिखी हुई है, जो कंटेंट्स हैं, उनका एनालिसिस आप 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 नई दृष्टि से कर सकते हो। ठीक है, और क्या है, टेप एंड फिल्म लिसनिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत तरह की ऑडियो विजुअल जो होती हैं, है ना, वो भी सुरक्षित होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के रूप में होती है, उनको सुनकर, है ना, उनको सुनकर और उनके आधार पर आप एनालिसिस करते हो। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। पहले वाले में भी एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट भाग है, नो डाउट, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा हम उससे और आगे आए, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, इसमें हो सकता है कि जैसे आप कोई, जैसे किसी मिनिस्ट्री की लाइब्रेरी की रिपोर्ट्स हैं, वो सब भी हो सकती हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन एंड मैनिपुलेशन, है ना, आप इसके अंदर जो काम, जो आपकी टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन, आप डेटा का कंपाइलेशन करते हो, है ना, एंड 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 यू डू मैनिपुलेशन। यहाँ मैनिपुलेशन का मतलब ध्यान रखना, वो नहीं है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हो, ये मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये कि डेटा की वेरिएबिलिटी के साथ में होने वाले चेंजेस को देखने के लिए मैनिपुलेशन किए जाते हैं। ठीक है, रेफरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट गाइड्स एंड कंटेंट एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स हैं, है ना, जो एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के दौरान अपनाई जाती है। तो एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिसर्च मैथड है, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिसर्च मैथड है, और उनके लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन में हमने क्या किया, ठीक है, है ना, वो जो है, दैट इज वी कॉल इट टेक्निक्स, है ना, ये रिसर्च टेक्निक है। अब देखिए ये आपके ज्योग्राफी में बहुत होता है, इसलिए आपको इससे बड़ी फैमिलियरिटी होगी, है ना, इसको बहुत आसानी से हम लोग कैच करेंगे। देखिए एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब ये होता है कि जो शोधार्थी है, ठीक है, वो रेस्पोंडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है उसका, उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ठीक है, अब उसका यदि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर हम किस तरह की टेक्निक को फॉलो करते हैं कि सब, इसके अंदर ये होता है कि ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर स्किल्स, बहुत सारे ऐसे स्केल्स होते हैं जिनके ऊपर हम मानव व्यवहार जो है उसको नापने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ स्कोर कार्ड्स, बहुत तरह के स्कोर कार्ड्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक्स हो गई। अब दूसरा देखो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, शोधार्थी जो है वो जो हमारे शोध के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में मिल जाता है, है ना। बहुत सारी जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें ये बहुत होता है। अब देखिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो फील्ड की रिसर्च में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो ये क्या, इंट्रैक्शनल रिकॉर्डिंग, मतलब इसमें जो भी आप तथ्य या जो भी सूचनाएं आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप इंट्रैक्शन के साथ कर रहे हो, मतलब उनके साथ मिक्स होके कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबल यूज ऑफ टेप रिकॉर्डर्स, हो सकता है कि आप इसके अंदर टेप रिकॉर्डर्स हैं, फोटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, वीडियोग्राफिक टेक्निक्स हैं, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई है ना। अभी देखो ये टेक्निक्स जो है ना, ये टेक्निक्स हमने चुनी किस आधार पे? हमने चुनी हमारे मेथड के आधार पे। तो मेथड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शोध की जो विधि है वो तय, वो डायरेक्ट करती है ना, वो निर्देशित करती है हमें, उससे उससे ये तय कर पाते हैं हम कि हमारे टेक्निक्स जो हैं वो क्या होगी। ठीक है, फिर देखिए आप मास ऑब्जर्वेशन, जैसे आप देखते हो कि मीडिया बहुत करता है ये सब। जैसे मीडिया क्या करता है, इलेक्शन के टाइम पे जगह जगह भीड़ में जाना और ओपिनियन लेना। तो इसमें मास ओपिनियन में, मास ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, रिकॉर्डिंग मास बिहेवियर है ना, वो बहुत बड़ी मास मतलब बड़ा जनसमूह, ठीक है, उनके व्यवहार को वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू यूजिंग इंडिपेंडेंट दिस ऑब्जर्वर्स इन पब्लिक प्लेसेस। अब देखते हो ना लोग, ये जो ये अक्सर ये जो रिपोर्टर्स होते हैं ये पब्लिक प्लेसेस पे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, उस तरह की चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए आप बाद में आते मेल क्वेश्चनायर। मेल क्वेश्चनायर में क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चनायर प्रश्नावली होती है ना, उसको डाक द्वारा भेज सकते हैं, हम उसको ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, ये सब मेल क्वेश्चनायर है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स है ना, ये हमारा इसके अंदर बड़ा उद्देश्य ये होता है। ये ज्यादातर सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए शोध जो है उनमें ऐसा हम करते हैं। देन क्वेश्चनायर, ठीक है, यूज ऑफ एटीट्यूड स्केल है ना, हम क्या करते हैं क्वेश्चनायर में, बहुत सारी बार हम क्या करते हैं प्रश्नावली के अंदर जो साइकोमेट्रिक टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिनका साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो जो साइकोमेट्रिक टेक्निक्स है ना, जिनके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं बहुत सारे, है ना, मनोविज्ञान विषय में बहुत तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो बहुत तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उनमें से उनका हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जैसे यूज ऑफ एटीट्यूडनल स्केल, यूज ऑफ दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ना, कल हमने बात की थी प्रोजेक्टिव टेक्निक की। ठीक है, देन यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक स्केल्स, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये टेबल जो है ये बड़ी शानदार है। इसके अंदर हमें ये भी पता लग रहा है कि भाई जैसे अलग अलग तरह की तीन रिसर्च सेटिंग है, तो उसमें कौन कौन से मेथड संभव हो सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक संभव हो सकती है। तो ये हमारे जहन में शोध को लेकर जो है बहुत सारी क्लैरिटी बनाती है ये टेबल। फिर देखिए हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू मतलब 1-to-1 इंटरव्यू है ना, जैसे आप देखते हो ना बहुत सारी बार, आप टेलीविजन पे देखते हो या रेडियो पे देखते हो किसी विशेष आदमी का 1-to-1 इंटरव्यू आ रहा होता है ना, तो 1-to-1 सिचुएशन में सेटिंग में बैठे होते हैं वो, है ना, आमने सामने बैठे होते हैं। तो इंटरव्यू इंटरव्यूअर यूजेस अ डिटेल्ड शेड्यूल विथ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस। तो जनरली क्या होता है कि उनके पास में एक डिटेल्ड शेड्यूल होती है, एक सूची होती है ना, और कई बार हम उसको प्रश्नावली भी बोलते हैं। उसके अंदर दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है पहले ये बताता हूँ आपको, है ना, बंद बंद प्रश्न कौन से होते हैं, खुले प्रश्न कौन से होते हैं। बंद प्रश्न का मतलब ये है कि आपसे एक सवाल पूछा, आपको 5 ऑप्शन दे दिए, अब आपसे पूछ लिया भाई बताइए आप इनमें से किस ऑप्शन को आप चुनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपके पास विकल्प खाली वो 5 है सामने वाले, बाकी रास्ते बंद, इसलिए कहते हैं इनको बंद या क्लोज्ड क्वेश्चंस। या जैसे आपसे कहा कि भाई ये 4 ऑप्शन हैं, आप एक से ज्यादा भी चुन सकते हैं, बट स्टिल आप एक से ज्यादा चुन सकते हैं, एक चुन सकते हैं, दो चुन सकते हैं ऑप्शन, है ना, लेकिन आप चुन उन्हीं में से सकते हैं। ठीक है, या जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी क्वेश्चन के उत्तर के 8 ऑप्शन हैं और वो कहते हैं कि आप जितने चाहे चुनिए और उसको हायरार्की दे दीजिए, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई आ, 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 भारत के अंदर बाल श्रम के लिए है ना ये कारण उत्तरदायी है। ठीक है, तो वो आपसे कहेंगे कि भाई ये 8 कारण लिस्ट किए हुए हैं, इन 8 कारणों में से आप जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो उसको आप 1 नंबर हायरार्की दे दो, और वैसे ही आप जितने आप कारण लिस्टेड करना चाहते हो, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, या पूरे 8, आप उस स्वतंत्र हो, आप उस तरह से लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो 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 क्लोज्ड
क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस की चॉइस होती है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं दोज ऑप्शंस आर ऑलरेडी रिटर्न देयर, ऑलरेडी मेंशन देयर, है ना। ऑप्शंस आप सर्कुलेट नहीं कर सकते, आप नया ऑप्शन नहीं दे सकते, ऑप्शन जो है उन्हीं में से चुनाव करना है, ठीक है। ओपन एंडेड में क्या होता है, जैसे आपने आपने एक सवाल किया कि भाई आप ये बताइए कि भाई जो जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन में बहुत चर्चा हो रही है कि भाई ये वैक्सीनेशन है, है ना, ये किस तरह समाज को इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है ना। तो अब इसके बहुत सारे डायमेंशंस, कोई इसके इसके सोशल पार्ट पे बोलेगा, कोई कहेगा कि भाई वापस बाजार खुलेंगे, लोग थोड़े से सुरक्षित महसूस करेंगे, इकोनॉमी वापस बैक टू ट्रैक आएगी, ठीक है। कोई कह सकता है कि भाई इसके साइंटिफिक रिप्रिकेशन बहुत खतरनाक हो सकते हैं, अभी तक हमने इसकी जो जांच है पूरी दुनिया में, है ना, जितनी भी जो कोविड वैक्सीन आई है उनकी बहुत क्षणिक जाँच हुई है और हमें नहीं पता कि आने वाले समय में ये जो वैक्सीन्स हैं ये हमारे जो ऊपर या हम मानव शरीर के ऊपर किस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है, बहुत सारी बातें आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्वतंत्र हैं उसके अंदर, ठीक है, है ना। आप वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है, आप वैक्सीन के इम्पैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, बहुत सारी बातें इसमें शामिल होती है, ठीक है। ओपन एंडेड में खास बात यह है कि मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन, है ना, कि आप क्या उत्तर सर्कुलेट करते हो। अब हम बात करते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू क्या, इंटरव्यू फोकसेस अटेंशन अपॉन ए गिवन एक्सपीरियंस और इट्स अफेक्ट, है ना। मतलब कि पूरा इंटरव्यू जो होता है ना वो डायरेक्टेड होता है और डेडिकेटेड होता है किसी पर्टिकुलर कॉज को, ठीक है। बहुत सारी बार इसके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, है ना, वो पूर्व निर्धारित और पूरे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसी के साथ साथ इंटरव्यू आगे बढ़ता है, ठीक है। कई बार हम ये देखते हैं ग्रुप इंटरव्यू सेटिंग होती है। अब ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप से तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक से ज्यादा लोग वहां पर हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स आर इंटरव्यूड साइमल्टेनियसली, एक साथ, है ना। तो आप क्या करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी जैसे अपन बोलते हैं ना ये स्टेनो राइटिंग, है ना, तो उस तरह से आप उसकी कोडिंग कर सकते हो, रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्सेस जितने जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज आएंगे तो आप रिस्पॉन्सेज जो है उनकी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रुप सेटिंग में होते हैं ये इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है। देन टेलीफोनिक सर्वे, है ना, टेलीफोन के ऊपर सर्वे करना, ठीक है, तो वो भी संभव है, कई बार हुए हैं कोविड के टाइम पे, बहुत सारे सर्वे जो हैं वो वीडियो कॉल या टेलीफोन कॉल या यूं कहें कि बहुत सारी ये जो नई तकनीक्स हैं, ठीक है, जैसे 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 अभी किसी भी समय हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना। हालांकि ये चीजें बहुत नई नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे जूम के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है, गूगल मीट के ऊपर बात की जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जितने भी जो इंटरव्यूज हैं, जो सर्वेज हैं, ये इसी तकनीक के, टेलीफोनिक जो सर्वे होते हैं उसी तकनीक के सर्वे के अंदर शामिल होते हैं। यूज्ड अ सर्वे टेक्निक फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर डिसर्निंग ओपिनियन एंड मे आल्सो बी यूज्ड एज ए फॉलो अप ऑफ क्वेश्चनर, ठीक है। तो कई बार तो क्या होता है कि हम इसका सीधा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो रेस्पोंडेंट है उसके व्यूज मिले किसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, है ना, और उसकी ओपिनियन के बारे में हमें पता लगे। कई बार हम क्या करते हैं, सर्वे पूरा हो जाने के बाद, सर्वे के दौरान हम क्या करते हैं कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं
उसको अपने सर्वे में मेंशन करते हैं कि भाई आपका टेलीफोन नंबर क्या है, या आपका ईमेल क्या है, या आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि जब हमें लगता है कि किसी चीज पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, या हमने मान लो कोई छोटी चीज ऐसा लगा कि सर्वे में छूट गई जिसको शामिल करना चाहिए था, तो वी कैन फॉलो अप, मेक ए कॉल एंड वी कैन गेट द आइडिया अबाउट इट, है ना। उसको हम वापस कॉल करके और उसका आइडिया ले सकते हैं। देन केस स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री, है ना, ये भी एक मेथड है, ठीक है, जिस पे हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो ये जो केस स्टडी मेथड है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर इंटेंसिव एनालिसिस, एक तो इस तरह से होता है, तो इसमें वन टाइम होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल जो जो सर्वे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन जो होता है दैट इज फॉर वन टाइम। इसी में एक और है लॉन्जिट्यूडनल कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर इंटेंसिव कैरेक्टर, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स लेके, और हम क्या करते हैं कि विद सर्टेन टाइम इंटरवल हम लोग क्या करते हैं कि वो जो रेस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, उनका हम बार बार डेटा कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी जो है ये फील्ड रिसर्च है। एक साथ हमने देखा कितने सारे फील्ड मेथड्स, वी हैव मेंशन 10 फील्ड मेथड्स हियर, है ना। और इन ये जो रिसर्च मेथड्स हैं, है ना, ये जो रिसर्च की विधियां हैं, है ना, शोध की विधियां, इन शोध की विधियों में कौन कौन सी तकनीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू यू माइट हैव अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुली दैट दीज रिसर्च मेथड्स आर यू नो रेगुलेटिंग अस, गाइडिंग अस दैट व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स वी शुड यूज फॉर आवर रिसर्च, है ना। यहाँ पर हमें इस इन ये जो शोध की विधि है उनसे हमें इस बात का आभास हो रहा है ना, उनसे हमें इस बात का पता लग रहा है कि हमें कौन सी शोध की तकनीक जो है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो लेबोरेटरी रिसर्च होती है छोटे ग्रुप के ऊपर होती है जनरली, है ना। स्मॉल ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम बिहेवियर, बिहेवियर प्ले एंड रोल एनालिसिस, है ना, तो ये इसके अंदर हम लोग करते हैं, छोटा समूह लेते हैं, है ना। मैनिपुलेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। बार बार हम मैंने कल चूहों का एग्जाम्पल देकर भी आपको पहले बताया था, है ना, कि मैनिपुलेशन जो है लेबोरेटरी सेटिंग की एक चारित्रिक विशेषता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल ग्रुप ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम बिहेवियर, ठीक है, हम इसके अंदर रैंडम बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्ले एंड रोल एनालिसिस। अब इसके अंदर हम टेक्निक क्या करते हैं, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ऑब्जर्वर्स, बहुत तरह के ऑब्जर्वेशन है वो, मतलब लेबोरेटरी में वी हैव लॉट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स जो जो एक तरह से ऑब्जर्वर की तरह होते हैं, अर्थात हम उनको ऑब्जर्वेशन के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो शोध होते हैं ये लेबोरेटरी सेटिंग में होते हैं, और ये विज्ञान या यूं कहें कि प्योर साइंसेस के अंदर ये टेक्निक बहुत ज्यादा अपनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें पता लग गया कि हमारी रिसर्च जो है, ठीक है, उसका टाइप कुछ भी हो, रिसर्च टाइप, ठीक है, वो चाहे लाइब्रेरी टाइप की रिसर्च हो, वो चाहे फील्ड सर्वे बेस्ड या फील्ड टाइप रिसर्च हो, वो चाहे लेबोरेटरी टाइप रिसर्च हो, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड्स जो हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, उन मेथड्स के आधार पे हम ये चुनाव करते हैं कि हमें कौन सी रिसर्च टेक्निक्स जो हैं वो हमारे शोध के लिए अपनानी है। तो पहले हम क्लैरिटी बनाते हैं मेथड्स के ऊपर, ये ध्यान रखना, पहले मेथड्स तय होते हैं, बाद में तकनीक तय होती है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले तकनीक तय कर ली जाए और बाद में मेथड्स मेथड पे विचार किया जाए, ऐसा कभी नहीं होता जब हम शोध के अंदर आगे बढ़ते। हम पहले मेथड्स पे हमारा डिसीजन बनता है, और फिर मेथड्स का जब हमारा डिसीजन बन जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर मेथड के लिए
जो अवेलेबल टेक्निक्स हैं उनमें से फिर हम क्या करते हैं, टेक्निक्स का चुनाव करते हैं जो हमारे काम आएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, यदि मैं आपको वापस लिए चलता हूं पीछे और मैं आप डेफिनेशन की बात करता हूं, तो देखिए कि पहले रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं। रिसर्च मेथड्स का तात्पर्य है उस व्यवहार और उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, ठीक है ना, यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टाइप। ठीक है, तो इसका तात्पर्य उस व्यवहार और उन उपकरणों से है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं या तो रिसर्च टेक्निक जो है उसको सेलेक्ट करने में या रिसर्च टेक्निक कंस्ट्रक्ट करने में। बहुत सारी बार बहुत सारे ऐसे भी शोध होते हैं जिनमें एक नई रिसर्च टेक्निक जो है वो इजाद की जाती है, शोध की आवश्यकता के हिसाब से नई रिसर्च टेक्निक जो है उस पर काम होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने टेक्निक पे काम कर लिया। अब देखिए आप आगे क्या है, आगे क्या है, रिसर्च टेक्निक मतलब हम मेथड का यूज करके टेक्निक पर आ गए, है ना। टेक्निक पर हमने काम कर लिया, भी कौन सी टेक्निक हमें लेनी है। अब टेक्निक जो है, रिसर्च टेक्निक, उसका क्या मतलब है, ये वो व्यवहार और वो उपकरण है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रिसर्च ऑपरेशन के लिए। वास्तव में डेटा कलेक्ट करने का काम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम, रिसर्च ऑपरेशन का काम टेक्निक से। ठीक है, बहुत सारी बार इन दोनों के लिए अलग अलग शब्दावली इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए क्या कहा गया है, मेथड्स आर मोर जनरल एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ओनली वी सेलेक्ट एंड यूज डिफरेंट टेक्निक्स। तो मेथड्स जो है उनके आधार पे हम तकनीक जो है उनका निर्धारण करते हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस द टू टर्म्स आर टेकन इंटरचेंजेबल। ये जो दोनों शब्दावलियां हैं ये एक दूसरे के संदर्भ में ली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी बार शोध के अंदर हम लोग इन शब्दावलियों का जो इस्तेमाल है वो ये सोचकर नहीं करते हैं कि ये अलग अलग है, हम उसको एक ही मान के, हम कहीं पर रिसर्च मेथड्स का यूज कर लेते हैं शब्दावली का, कहीं पर रिसर्च टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं और हमारे दिमाग में यही बात होती है कि भाई हमारा तात्पर्य इन दोनों से अलग अलग, इनको अलग अलग देखकर देखना नहीं है, बल्कि हमारा तात्पर्य दोनों से एक ही है। ठीक है, अब देखिए, ये जानने के बाद हमारी जिज्ञासा बनती है कि भाई ठीक है, हमने रिसर्च मेथड्स को देख लिया, है ना, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, हमने इस बात को भी देख लिया कि ठीक है रिसर्च मेथड्स के साथ साथ किस तरह से रिसर्च टेक्निक्स डिसाइड होती है। तो हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है रिसर्च मेथड्स में और रिसर्च टेक्निक्स में। अब बात आती है कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रिसर्च मेथड्स की बात हो रही है, अगली स्लाइड में हम रिसर्च मेथडोलॉजी में आएंगे। हम क्या करते हैं कि रिसर्च मेथड्स को तीन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही चर्चा की थी जब हमने लेक्चर शुरू करना, अब से पहला ग्रुप है। अब पहला ग्रुप में हम उन शोध की विधियों से हमारा तात्पर्य होता है जिनको हम आंकड़ों के संग्रहण जो होता है ना उस हेतु काम में लेते हैं। ठीक है, तो मेथड्स कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे सिंपल सी बात है सैंपलिंग टूल्स और सैंपलिंग मेथड्स, ये इसमें आते हैं। दूसरा है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड अननोन्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप की बात करेंगे इसका मतलब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर रहे हैं, है ना। हम मात्रात्मक और गुणात्मक जो हमारे पास में टूल्स होते हैं एनालिसिस के, उनकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर सकते हैं बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस की, हम यहाँ बात कर सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की। ठीक है, सो देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स व्हिच वी कैन टॉक अबाउट हियर, है ना, जिनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। और तीसरे स्तर पे जो हम मेथड्स की बात करते हैं वो है इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेंड।
हमने जो जो परिणाम प्राप्त किए हैं, हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, ध्यान रखना कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन और फाइंडिंग्स में अंतर है, ठीक है। तो हमारे जो जो एनालिसिस के परिणाम है ना, शोध के निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे शोध के में जो डेटा एनालिसिस हमने किया है या जो विश्लेषण हमने किया है, उस विश्लेषण के जो परिणाम है वो परिणाम जो है वो कितने सही हैं, है ना, और कितने सही नहीं है। उसके लिए हम करते हैं एक्यूरेसी की जांच, और इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, आप जानते हो टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, बहुत सारे तरह के टेस्ट हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये दूसरा और तीसरा, इनको हम मिला के एनालिटिकल टूल्स भी कहते हैं ना, ठीक है। इनके अंदर, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में एनालिटिकल टूल्स हैं, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में, या यूं कहे ग्रुप दो में और ग्रुप तीन में, ठीक है। वो आ, 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 और पहले वाला जो ग्रुप है उसके अंदर जो हमारा मूल जो ध्येय होता है वो सिर्फ है वो टूल्स जो हमारे को डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने हैं, अर्थात वो टूल्स जिसके आधार पे हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग्स करते हैं, किसके ऑब्जर्वेशन करने हैं उसकी बात करते हैं, जिसे सैम्पलिंग है ना, तो उसको हमने हमने रखा है अलग, है ना, ग्रुप वन में। अब देखिए, जब हम इतनी बात कर लेते हैं रिसर्च मेथड्स की, तो अब हमारा संज्ञान आता है कि भाई रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है और रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी में अंतर क्या है, है ना। अब बात आती है कि शोध का विधि तंत्र क्या होता है और शोध के विधि तंत्र में और शोध विधियों में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं शोध विधि तंत्र की, रिसर्च मेथडोलॉजी जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इट इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। अब ये केवल और केवल रेस्पोंडेंट्स का चुनाव, ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और हमारे जो विश्लेषण से प्राप्त जो हमारे पास में परिणाम है उनकी जांच, ये इतना ही नहीं है। इतनी बातें तो हमने मेथड्स में की थी, ये उससे बहुत आगे है, अर्थात इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोग शामिल करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा विधि तंत्र है उसका सरोकार है सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे तंत्र को शामिल कर रहा है जिसमें हम किसी शोध समस्या को लेके और हम उसके निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये दिस इज साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन साइंटिफिकली। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये एक तरह से वो विज्ञान है जो इस बात पर चर्चा करता है कि रिसर्च जो है वो किस तरह वैज्ञानिक अवधारणा के साथ, वैज्ञानिक उपागम के साथ संपादित किया गया है। इन इट वी स्टडी द वेरियस स्टेप्स दैट आर जनरली अडॉप्टेड बाय अ रिसर्चर इन स्टडीइंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम अलोंग विद द लॉजिक बिहाइंड इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम उन तमाम पक्षों का, उन तमाम जो हमारी जो स्टेप्स हैं, है ना, जिनका हम अनुसरण करते हैं शोध के अंदर, हम इसमें उस सारे उन सब की बात करते हैं, ठीक है। और उन सब की बात करने के बाद हम बात करते हैं लॉजिक बिहाइंड। अब देखिए, आपने मेथड्स यूज किए, वो रिसर्च मेथड्स का भाग है, आपने वो मेथड क्यों चुने, ये मेथडोलॉजी का भाग है, ठीक है। आपने सैंपलिंग टेक्निक चुनी, ये मेथड है सैंपलिंग टेक्निक, लेकिन आपने वही सैंपलिंग टेक्निक क्यों चुनी, जब आप इस लॉजिक के साथ में बात करते हैं, आप बात करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की, ठीक है। तो इन इट वी स्टडी द वेरियस स्टेप्स दैट आर जनरली अडॉप्टेड बाय अ रिसर्चर इन स्टडीइंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम अलोंग विथ
द लॉजिक बिहाइंड इट. हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो सारे के सारे जो पद हैं जिनका अनुसरण रिसर्चर करता है, हम उन पदों का अध्ययन करते हैं, ठीक है. और उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि इस पूरे शोध और इस पूरे विधि तंत्र में शोध के जो तंत्र है ना, ठीक है, या शोध का जो डिजाइन है ना, उस पूरे डिजाइन में लॉजिक जो है, ठीक है, अर्थात हर एक स्टेप के लिए जो आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग है ना, वो क्या है, वो विधि तंत्र का भाग है, ठीक है. तो इट इज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू नो नॉट ओनली द रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स बट ऑल्सो द रिसर्च मेथोडोलॉजी. कोई भी शोधार्थी की केवल इतने से में पार नहीं पड़ जाएगी कि वो शोध की विधियां जो है उनको जान ले, है ना, वो कोरिलेशन सीख ले, वो रिग्रेशन सीख ले, सेंट्रल टेंडेंसी सीख ले, सैंपलिंग टेक्निक सीख ले. नहीं नहीं, वो जरूरी है, नो डाउट, पर उसके साथ में जरूरी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि उस टेक्निक का वो अपने शोध में क्यों इस्तेमाल कर रहा है. इसका लॉजिक जो है वो मेथड से नहीं आता, इसका लॉजिक जो है वो मेथोडोलॉजी से आता है, ठीक है. तो केवल और केवल तकनीकों को जानना, केवल और केवल शोध की विधि को जानना पर्याप्त नहीं है, ठीक है. शोध की विधि की प्रासंगिकता, शोध की विधि की उपादेयता, शोध की विधि की आवश्यकता, ये सारी चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा बताई जाती है, ना कि मेथड्स के द्वारा, ठीक है. अब देखिए, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो रिसर्चर को क्या क्या ज्ञान होना जरूरी है. जैसे ही हम इन मुद्दों की बात करेंगे ना, हमारे को अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत व्यापक है, है ना. रिसर्च मेथड्स, इसीलिए हमने पहले रिसर्च मेथड पढ़े, ताकि हम यहाँ डिस्टिंग्विश कर पाए, हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पाए कि किस तरह हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ज्यादा विस्तारित बात करते हैं. रिसर्च मेथड्स तो इसका केवल एक पार्ट है, ठीक है. पहला देखिए, कौन से मुद्दों पर, है ना, शोधार्थी जो है उसकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, कौन से मुद्दों के ऊपर. पहला, हाउ टू डेवलप सर्टेन इंडाइसेस और टेस्ट. बहुत सारे शोध ऐसे होते हैं जिसमें हम सूची और सूचकांक बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप जैसे मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में तहसील स्तर पर रीजनल डिस्पेरिटीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. अब आपने क्या किया, एक पैरामीटर आपने लिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ नाम से कोई सीधा पैरामीटर तो नहीं मिलेगा आपको, जिस तरह से पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आपको मिल जाएगी, उस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ का डेटा तो नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ का डेटा जो है ना, वो आपको तैयार करना है. इसका मतलब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंडेक्स बनाओगे, कंपोजिट इंडेक्स बनाओगे, है ना, सम्मिश्रित सूची बनाओगे आप, ठीक है. जैसे आपने ले लिया कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने ले लिया एक्सेस टू न्यूट्रिशन, और आप उसके लिए एक मेथड दोगे कि मैं फैमिली में या फैमिली मेंबर्स में न्यूट्रिशन लेवल क्या है उसको इस तरह से जांचूंगा. और आपको पता है ये शोध होते हैं, है ना, न्यूट्रिशन लेवल जांचने के लिए शोध होते हैं, तो आप वहां से विधि उठाओगे, ठीक है. जैसे एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, है ना, तो फिर आप क्या करोगे, हॉस्पिटल बेड्स निकालोगे पर कैपिटा, या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स निकालोगे, सॉरी नॉट पर कैपिटा, हॉस्पिटल बेड्स, है ना, ऑन पर ऑन दिस मच ऑफ पर्संस, ठीक है, या डॉक्टर्स, है ना, ऑन दिस मच ऑफ पर्संस, है ना, एक जो डॉक्टर है वो कितने लोगों पर है, है ना, ठीक है, हॉस्पिटल का बेड है, एक बेड पे कितनी जनसंख्या का दबाव है, ठीक है, उस तरह के डेटा निकालोगे, है ना. क्वालिटी ऑफ लाइफ में लिविंग स्टैंडर्ड से संबंधित बहुत सारे डेटा आ सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड डेटा आ सकते हैं कि भाई जैसे मोटर चालित वाहन है या नहीं है, घर में रेफ्रिजरेटर है या नहीं है, एयर कंडीशन है या नहीं है, डिपेंड करता है किस तरह की सोसाइटी के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, उसी के आधार पर ये पैरामीटर तय होते हैं,
ठीक है। अब देखिए ये पैरामीटर तय करने वाले आप, ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स तैयार करने वाले आप मतलब रिसर्चर, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये बात रिसर्चर को ये ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाउ टू डेवलप सर्टेन इंडाइसेस और टेस्ट्स। बहुत सारी बार किसी पर्टिकुलर शोध के लिए रिसर्चर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट मैकेनिज्म लेकर आते हैं, ठीक है। नंबर दो, हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर और बहुत सारे टेस्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे ये सब करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होना चाहिए, व्हाई यू आर यूजिंग दिस, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। केवल केवल इसको मैथमेटिकली जानना कि ठीक है कौन से सूत्र से निकलता है, ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट वो तो है ही, वो तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो यूज ही नहीं कर पाओगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाई यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक हियर, आप ये पर्टिकुलर टेक्निक जो है उसको यहां पर क्यों अपना रहे हैं। बताइए, एक शोधार्थी को ये पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये मेथड्स का हिस्सा नहीं है, ये मेथडोलॉजी का हिस्सा है। फिर देखिए बात आती है, हाउ टू अप्लाई पर्टिकुलर रिसर्च टेक्निक। टेक्निक डिसाइड कर ली, ठीक है, वो मेथड्स का काम है, वो पूरा हो गया। अब आप ये बात कर रहे हो हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो या इसके पीछे टेक्निक को अपनाने के पीछे लॉजिक की बात करोगे कि ये टेक्निक क्यों अपनाई है, तो भी उसको पता होना चाहिए, शोधार्थी को पता होना चाहिए क्या लॉजिक है इसके पीछे। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टेक्निक को मैं रिसर्च सेटिंग में कैसे अप्लाई करूं, ठीक है। देन विच ऑफ दीज मेथड्स एंड टेक्निक्स आर रिलेवेंट, कौन से टेक्निक्स कौन से मेथड्स मेरे शोध के लिए रिलेवेंट है, एंड विच आर नॉट, साथ में ये बात भी आती है कौन से नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी शोध की बात होती है ना, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका फोकस होता है टाइटल देखने के बाद में और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में, कि इन इस रिसर्च के लिए और इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिसर्चर ने कौन सी टेक्निक्स को फॉलो किया है, कौन से मेथड्स को चुना है, ठीक है। तो और मेथोडोलॉजी में क्या वो आर्ग्यूमेंट है क्या कि उसने उनका चुनाव क्यों किया है, ठीक है। विच ऑफ दीज मेथड्स एंड टेक्निक्स आर रेलेवेंट, व्हाट वुड दे मीन, है ना, कौन से रेलेवेंट है कौन से नहीं है ना, उनका तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, एंड इंडिकेट एंड व्हाई, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी बातें हैं, तकनीक आपने जो चुनी, क्यों चुनी, किस मकसद से चुनी, उसको चुनने के पीछे आपके पास में आर्ग्यूमेंट क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो रिसर्च जब जब मेथोडोलॉजी की बात करते हैं हम, तो हम वहां से शुरू करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेकर और उसको सॉल्व करने तक। ये देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। मेथड्स तो उसके बीच का एक हिस्सा है। दिस मीन दैट इट इज नेसेसरी फॉर अ रिसर्चर टू डिजाइन हिज मेथोडोलॉजी फॉर हिज प्रॉब्लम। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि हर एक जो रिसर्च होती है उसकी अपनी मेथोडोलॉजी होती है, हर एक रिसर्च की अपनी मेथोडोलॉजी होती है। इसका मतलब ये होता है कि रिसर्चर जो है, ठीक है, वो उसको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसको ये चीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि उसके वो जो शोध वो कर रहा है, जिस शोध को वो लेकर आगे बढ़ रहा है ना, उस शोध की मेथोडोलॉजिकल डिजाइन जो उसने तैयार की है, ठीक है, उसके पीछे उसके पास लॉजिक, उसके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दिस मीन दैट इट इज नेसेसरी फॉर अ रिसर्चर टू डिजाइन हिज मेथोडोलॉजी फॉर हिज प्रॉब्लम। इसलिए जरूरी है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के लिए अपनी स्वयं की जो शोध विधि तंत्र है वो बनाए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक शोध का विधि तंत्र जो है वो दूसरे शोध पे लागू हो, ठीक है। अब देखिए, जो बात आती है लास्ट में वो ये आती है, द रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज मेनी डायमेंशंस।
हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो जो शोध विधि तंत्र है उसके बहुआयामी है शोध विधि तंत्र, ठीक है। और जो रिसर्च मेथड्स हैं, जो रिसर्च विधि है, ध्यान रखना विधि तंत्र में मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, विधि केवल हम मेथड्स की बात करते हैं तो हम शोध विधि की बात करते हैं, ठीक है। द रिसर्च मेथड्स डू कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। तो ये जो रिसर्च मेथड्स हैं ये मेथोडोलॉजी के भाग हैं, है ना। मेथोडोलॉजी बहुत व्यापक है, ठीक है, और उसका एक हिस्सा है रिसर्च मेथड्स। द स्कोप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वाइडर देन दैट ऑफ द रिसर्च मेथड्स, है ना। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें हम कहीं ना कहीं रिसर्च मेथड्स को देखते हैं।